हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज इन चार में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 163 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उन चीजों का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, और साथ ही साथ इस एपिसोड को पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 163। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर वेजिटा ने बहुत तेज हमला कर दिया है सेल के ऊपर, जो कि इतना तेज होता है जो कि अर्थ के बाहर से भी हम देख सकते हैं, और इस वजह से ये जो सेल है उसकी बाजू ही सीधा टूट जाती है। अब ये देखने के बाद इधर वेजिटा बहुत तेज हंस रहा है, और तभी सेल कहता है कि इतना हंसो मत, और वो अपना हाथ फिर से उगा लेता है क्योंकि उसके पास पिकलो की पावर होती है। अब इधर वेजिटा बहुत तेज उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी सेल उसे ऊपर फेंकता है, फिर ऊपर से नीचे भी फेंक देता है। वो इतना तेज मारता है ऊपर से कि वेजिटा अभी उठ भी नहीं पा रहा है। अब ये देखकर ट्रंक्स जो है वो अपनी सुपर सैयन पावर लेवल अप करता है, जो कि कंटिन्यू एनर्जी फ्लो करते जा रहा है और अभी बड़ा बनते जा रहा है, और अब उसकी ताकत देखने लायक हो चुकी है। तभी क्रिलिन भी उसे देखकर घबरा जाता है, और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब ट्रंक्स की पावर बढ़ते ही जा रही है, जहाँ पर क्रिलिन देखकर शॉक में ही है कि भाई ये अभी मुझे ना मार दे, जहाँ ट्रंक्स कंटिन्यू अपनी पावर गेन करे जा रहा है, जिसके आसपास बिजली के झटके भी हम साफ साफ देख सकते हैं। अब ट्रंक की इतनी ज्यादा पावर लेवल देखने के बाद इधर सेल कहता है कि अब ये क्या करने वाला है, जहाँ पर क्रिलिन आवाज देता है कि हे ट्रंक्स, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, जहाँ पर ट्रंक्स अभी क्रिलिन को देखने लगता है। तभी क्रिलिन जो है वो एक्चुअल में ये सोच रहा है कि ये जो सैयन की रेस है ना, ये हर बैटल के साथ साथ एक नई पावर का इजाद कर लेती है, जहाँ पर मैंने पहले गोकू को देखा था, उसके बाद वेजिटा को, उसके बाद फ्रीजा के साथ लड़ते हुए, और उसके बाद अब ये ट्रंक्स, जिनकी पावर लेवल अभी भी अप होते जा रही है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही, ऐसे होते हैं क्या सेयंस। तभी ट्रंक्स इसके तरफ देखता है तो क्रिलिन शॉक में है, जहाँ क्रिलिन कहता है कि कुछ करना है ट्रंक्स, जहाँ पर ट्रंक्स कहता है कि मेरे जो पिता है ना, उनको तुम लेके जाओ और ये रखो सेंस बीन, जहाँ तुम लेके जाओ मास्टर रोशी के घर पे इनको, और वहाँ पर इनकी अच्छी खासी देखभाल करो ताकि वो फिर से बैटल में आ सके, और तब तक मैं इसे संभालता हूँ, जहाँ पर मैं डिस्ट्रैक्ट करूंगा इसे, और फिर तुम वेजिटा को लेके जाना। तभी वहाँ पर ट्रंक्स नीचे उतरता है, जो कि सेल के सामने आता है, और वो आगे बढ़ रहा है। तभी एंड्रॉइड 16 कहता है कि भाई तुम्हें क्या पता नहीं है कि इसके पास कितनी ज्यादा पावर्स है, वो तो तुम्हें तबाह करके ही छोड़ेगा, फिर भी तुम्हें क्यों लड़ना है। तभी ट्रंक्स कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ने लग जाता है। अब इधर सेल जो है वो रेडी है मारने के लिए, जहाँ पर ये दोनों ही आमने सामने खड़े है, और इधर क्रिलिन देखता है कि क्या वाकई में अब सेल को हरा पाएगा ये ट्रंक्स, लेकिन सेल अपनी मूव चल देता है, जिसको डॉच कर ट्रंक्स भी उसे मारने लगता है, लेकिन क्रिलिन देखता है कि ये दोनों ही गायब हो चुके हैं। जहाँ क्रिलिन देखने लगता है कि आखिरकार कहाँ पर गए, तो ये उसके भी ऊपर जाकर फाइट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से ट्रंक्स सीधा ही सेल को नीचे फेंक देता है, जिससे सेल नीचे गिर चुका है अब, और वहाँ पर धुआं धुआं हो चुका है, जिसको ट्रंक्स जो है वो देख रहा है, लेकिन क्रिलिन भी ऊपर से देखता है, जो कि कहता है वाकई में ट्रंक्स तुमने करके दिखाया। तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि सिखा रहा है अभी भी गोहान को, जहाँ वो कहता है कि तुम क्या रेडी हो गोहान, चलो आओ फिर मुझे पकड़ के दिखाओ, जहाँ पर गोकू उड़ जाता है, फिर गोहान भी उसे पकड़ने के लिए भागता है, और अब गोकू गायब हो चुका है, जहाँ पर ये जो गोहान है ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है गोकू को, और सीधा ही गोकू के पास आ जाता है एक लेजर ब्लास्ट, जिससे गोकू डॉच करता है। अब गोकू कंटिन्यू डॉच करे जा रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, और ये जो गोहान है ये एग्जैक्ट वही पर मुंह चल देता है जहाँ पर गोकू खड़ा होता है। अब गोकू इधर उधर से डॉच कर रुक जाता है, और सीधा ही ये सारे ब्लास्ट अपने हाथों की तरफ ही झेल लेता है। अब ये बड़े ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर गोकू कहता है गोहान से कि वाकई में तुम बहुत अच्छे थे, और उतने में ही हम देखते हैं कि गोहान ऊपर से आकर बैठ जाता है सीधा गोकू के कंधे पर, जहाँ वो कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया डैड। और तभी हम देखते हैं इस क्लॉक टावर की हालत, जो कि बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है, जहाँ पर गोहान कहता है कि मिस्टर पोपो आने से पहले हमें इसका कुछ करना होगा, जहाँ गोकू कह देता है कि इसे हमें ठीक करना होगा जल्द से जल्द। अब हम बैटल की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पर ट्रंक्स नीचे खड़ा है, और उस धुएं के
एक्ट ऊपर क्रिलिन खड़ा है जो कि कह रहा है कि वाकई में ट्रंक्स तुमने करके दिखाया। तभी ट्रंक्स आवाज देता है कि क्रिलिन वहाँ से हटो, और तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट की वजह से क्रिलिन दूर फेंक दिया जाता है। अब क्रिलिन खुद को संभालता है और वो कहता है कि वाकई में सेल के पास बहुत ही ज्यादा ताकतें हैं। अब इधर सेल बहुत जोर जोर से हंसकर ऊपर आने लगता है, जहाँ सेल कहता है ट्रंक्स को कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तुम एक पागल सैन हो, तुम सैन्स को कुछ समझ ही नहीं है इस बारे में कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। और तभी इन दोनों की फाइट फिर से चालू होती है, जहाँ पर वो नीचे लड़ते हैं, फिर गायब होकर सीधा ही क्रिलिन के सामने लड़ने लगते हैं। अब एक बड़ा ब्लास्ट कर उधर सीधा ही सेल को फेंक देता है ट्रंक्स नीचे, लेकिन फिर से ट्रंक्स उठ खड़ा होता है, जहाँ पर ये 16 कहता है कि इसके मैच का कोई तो मिला है आखिरकार, लेकिन ये हरा नहीं पाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। इधर अभी ये जो वेजिटा है ये नीचे पड़ा हुआ है। अब जहाँ से ये लोग गिरे थे वहीं से सीधा ही एक दरार गिर जाती है, जो कि सीधी दरार जाती है समुन्दर के अंदर, जिसके अंदर ये दोनों ही लड़ रहे होते हैं। जहाँ से ये दोनों ऊपर आते हैं और कंटिन्यू लड़ रहे हैं, जहाँ ट्रंक्स दूर जाकर फिर से मारने की कोशिश करता है इस सेल को, लेकिन अभी सेल मारने की कोशिश कर देता है इट्स ट्रंक्स को, जहाँ पर ट्रंक्स खड़ा है अभी वेजिटा के सामने, जहाँ वो देखता है अपने फादर को और कहता है कि अभी मौका देना होगा। जहाँ पर सेल अभी रेडी है और वो कहता है कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम तुम्हारे पिता को भी बचा पाओगे और मुझे हरा पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ट्रंक्स उसे मार देता है, जिससे सेल जो है वो ऊपर चले जाता है, और अभी ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ मार रहे हैं। तभी वहाँ पर सेल जो है वो साइड हट जाता है और वो देखता है कि ट्रंक्स उसके पास आ गया, तो वो जोर का मुक्का भी ट्रंक्स के पेट में मार देता है, जिससे ट्रंक्स नीचे गिर चुका है। अब वो उठता है तो फिर से सेल आता है, फिर से उसे मारता है। अब ये क्रिलिन देख ही रहा है, तभी इधर ट्रंक्स जो है वो उठ रहा होता है और वो क्रिलिन को इशारों में ही कह देता है कि जाओ क्रिलिन इसे लेके जाओ, जहाँ पर क्रिलिन कहता है कि हाँ ठीक है। अब वो देखता है वेजिटा को, जो कि पहुंच जाता है सीधा ही वेजिटा के पास। इधर ट्रंक्स उठता है और सीधा ही सेल को मारने लगता है। अब इन दोनों की फाइट इंटेंस हो चुकी है, जो कि कंटिन्यू एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। इधर क्रिलिन कहता है कि पुअर वेजिटा, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा था अब तक कि उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, ये तुम्हारे जिद के कारण ना ऐसी चीजें हुई है, जहाँ पर तुम खुद के गर्व को भी नीचे झुका चुके हो आज। जहाँ वो उसे उठाता है और लेके जाने लगता है, तभी इधर ट्रंक्स जो है वो कंटिन्यू मारे जा रहा है इस सेल को, जहाँ पर लाते भूसे चल रही है, और इधर क्रिलिन सीधा ही उड़ चले गया है। अब इधर सेल जो है वो एक्चुअल में मार रहा है इस ट्रंक्स को और आगे फेंक देता है। अब ये दोनों उड़ जाने के बाद उधर ट्रंक्स ठीका देता है एक थम, जहाँ वो कहता है कि ठीक है तुम उड़ जाओ। अब ये उड़ चुका है, इधर सेल आ जाता है ट्रंक्स के सामने कि तुम्हें क्या लगा अगर तुम वेजिटा को लेके जाओगे तो तुम बच सकते हो? नहीं, तुम नहीं बच सकते, तुम्हें तो मैं मार कर ही दम लूंगा, समझे ना। जहाँ पर अब तुम्हारे पास जितनी ताकत है ना वो इकट्ठा कर लो, ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें आगे, तो फुल पोटेंशियल से मेरे ऊपर वार करना, है ना ट्रंक्स। अभी ट्रंक्स कंटिन्यू अपनी पावर्स एनहांस कर रहा है, जो इतनी ज्यादा इंटेंस होते जा रही है कि उधर पिकोलो को भी आइडिया हो चुका है। जहाँ पर पिकोलो कहता है कि वाकई में ट्रंक्स के पास अभी बहुत ज्यादा ताकतें तो आ ही गई है, जो शायद से हरा भी देगा इस सेल को, ऐसा इसको लग रहा है। और इधर ट्रंक्स अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो कंटिन्यू अपनी पावर गेन करे जा रहा है। जहाँ पर सेल कहता है कि ये हुई ना असली पावर, जिसमें अभी मुझे मारने के लिए मजा आएगा, अब मेरी लेवल का कोई मिला है आखिरकार। इधर ट्रंक्स की पावर बढ़ रही है, उधर सेल उसके सामने खड़ा है, तो अब क्या ट्रंक्स मार पाएगा सेल को, जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।